क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, क्वेश्चन लगाया जाए कुछ और, क्वेश्चन ये क्वेश्चन है किसी साबुन की फिल्म पर चार अंक दस पावर माइनस पांच, चार अंक दस माइनस चार जूल कार्य करके करके उसका क्षेत्रफल बीस सेंटीमीटर स्क्वायर से चालीस सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। तो उस साबुन की फिल्म का पृष्ठभाग क्वेश्चन कर क्या कह रहा है, कोई साबुन है, साबुन की फिल्म क्या कह रहा है, जैसे कोई फ्रेम है, फ्रेम को यदि कहीं साबुन के घोल में डाल दिया जाए, निकाला जाए, तो उस फ्रेम पे एक फिल्म बन जाता है, ठीक है, वो फिल्म पतला समझ गए लेयर है, ठीक है, सोप का, तो पतली से देखनी होता है, तो किसी साबुन का यदि कोई फिल्म है उस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं, कोई भी मान लीजिए फिल्म को पढ़ना है, जैसे मान लीजिए कोई चादर या किसी भी लोहे का सीट है, ठीक है, या एल्यूमिनियम का सीट है, उसको फैलाना है, फैलाने के लिए क्या करेंगे, उसको पीटते हैं, ठीक है, पीटते हैं यानी उस पर कुछ कार्य करते हैं तो वो फैलता है, वैसे ही यदि साबुन का भी कोई फिल्म है तो साबुन के फिल्म का भी यदि हमें क्षेत्रफल बढ़ाना है तो उसके ऊपर कार्य करना होता है, वो कार्य कितना है, यदि चार गुणे दस को पावर माइनस जूल तो उसका क्षेत्रफल कितना से कितना हो रहा है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ करके 40 सेंटीमीटर स्क्वायर तक हो जा रहा है। कैसे होगा, यदि मान लीजिए कोई फिल्म है, फिल्म पे अंदर से फोर्स डाला जाएगा, अंदर से जब हम फोर्स डालेंगे तो उसके ऊपर हमें जब हम लोग उसके ऊपर फोर्स डालेंगे तो फोर्स डालने पर क्या होगा, उसके ऊपर बल लगेगा, ठीक है, और वो बल उसको कार्य के रूप में मिलेगा, जहाँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वहां पे कार्य होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यदि ये फिल्म है, ये फिल्म इसका कुछ एरिया भी होगा, ठीक है, एरिया कैसे निकलेगा, यदि ये ए बी है, ये सी बी है, तो इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, यदि मान लीजिए इसकी लेंथ यल और इसका ये ब्रेथ यस, तो यदि लेंथ इनटू ब्रेथ हम लोग करते हैं तो इसका एरिया निकलता है, अब इसकी क्षेत्रफल बढ़ाना है तो ये यल से थोड़ी दूर और आगे चला जाएगा, अब इससे भी थोड़ा दूर और आगे चला जाएगा, और क्या होगा, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ये डेल्टा एल, ठीक है, और यहाँ पे एक नया पॉइंट मिल जाएगा हमें, ये पी पॉइंट मिल जाएगा, और ये लंबाई भी सेम रहेगी, ठीक है,
तो नया जो निकलेगा वो कितना एरिया बन गया, ये एक्स इनटू डेल्टा एल, ये एरिया हम लोग का क्षेत्रफल बढ़ा हुआ दिखता है, ठीक है। तो वो कैसे बढ़ता है, तो बढ़ता है चूंकि उस पर फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, और फोर्स लगाने से उसके ऊपर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ देखिए ये सीडी था, सीडी से थोड़ा और आगे गया ईएफ पे, ईएफ पे जाने के लिए उसके ऊपर कार्य करना पड़ा, जब कार्य किए तो एक्स इंटू डेल्टा एल वो डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे कार्य मिला। तो पहले ये था दिया गया है कि पहले जो इतना था इसका क्षेत्रफल था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, वो लंबाई और चौड़ाई कुछ भी हो सकता है, हो सकता है चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो, लंबाई 5 सेंटीमीटर हो, तो 5 गुणे 4 करके 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब कह रहा है कि ये 20 से बढ़ करके कितना हो जा रहा है, ये पूरी पूरी की जब बात की जा रही है तो ये पूरे की जो क्षेत्रफल है ये मिल जा रहा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मिल जा रहा है, ठीक है, यानी जो एरिया है, एरिया ऑफ क्या, ए बी सी डी, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ए बी ई एफ, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी ई एफ विल बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी 20 सेंटीमीटर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ। 20 सेंटीमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए उसके ऊपर कितना वर्क फोर्स, कितना वर्क करना पड़ा, तो 4 गुणे 10 के पावर माइनस 5, ठीक है, यानी डब्ल्यू इस पर यहाँ से क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 4 गुणे 10 के पावर माइनस 5 जूल, ठीक है, तो ये 4 गुणे 10 के पावर माइनस 5 जूल ये वर्क करना पड़ा, उसके कारण अब फिल्म तन जाएगा ना, और ज्यादा चौड़ा हो जाएगा, तो ज्यादा तन जाएगा, जब ज्यादा तनेगा तो उसका कितना सरफेस टेंशन हो जाएगा वही हम लोग को फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं, मिटा दें क्वेश्चन। लगाया जाए क्वेश्चन, तो यहाँ डब्ल्यू बराबर हम लिख लेते हैं क्या है, गिवन दिया है, जो जो चीज दिया है, दिया है डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर 4 × 10 के पावर माइनस 5, और क्या दिया है, वर्ग दे दिया, शुरुआती में क्षेत्रफल कितना था, इनिशियल एरिया एआई बराबर दिया था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हम मीटर में बदलेंगे तो 20 वे 10 पावर माइनस 2 10 पावर माइनस 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इनिशियल एरिया था, ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्रफल था 20 गुणे 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, फाइनल एरिया कितना है, फाइनल एरिया ए एफ बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 40 गुणे 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ये हम लोग को दो चीजें मिल गए, इनिशियल एरिया एंड फाइनल एरिया, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है पृष्ठ तनाव, ठीक है, सरफेस टेंशन, तो पृष्ठ तनाव
पृष्ठ तनाव क्या होता है, तीव्र आघूर्ण होता है वर्क पर यूनिट एरिया डब्ल्यू अपॉन ए। ठीक है, तो ये मिल गया हम लोग को टी बराबर डब्ल्यू अपॉन ए। वर्क डन कितना था, वर्क डन था 4 × 10⁻¹। एरिया, एरिया चूंकि अब नया वाला मिला है हम लोग को, तो 40 × 10⁻¹ हो गया। कितना 40 × 10⁻¹ 1 × 10 10⁻¹ 10⁻⁶ 10⁻¹⁴ 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 10⁻
दस पावर माइनस दो, ये मिल गया टेंशन है ना जूल पर मीटर स्क्वायर। जाहिर सी बात है यदि अब हम लोग एरिया निकालना चाहें किसी भी सरफेस का, तो एरिया चूंकि इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इंक्रीज हुआ है 20 से 40 तक। अब 40 जब 40 मीटर स्क्वायर जब होगा, ठीक है, 40 इंटू 10^-4 मीटर स्क्वायर जब होगा, उस समय उसके ऊपर कितना सरफेस टेंशन लगेगा वो हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। तो कैसे किए हैं, इनिशियल एरिया था और उसमें अब फाइनल एरिया को इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन क्या होता है, वर्क पर यूनिट एरिया, तो W अपॉन A, W हम लोग निकाल दिए हैं, W दिया गया था 4^-5 और एरिया हम लोग फाइंड आउट किए हैं, अभी हुआ है फाइनल एरिया 40^-4 डिवाइड किए हैं 4 से 40 को 2/10 गुणे 10^-5 गुणे ये माइनस 4 के ऊपर चलेगा तो प्लस 4 को गुणे करना, ठीक है, तो ये 4 से डिवाइड किए हैं तो ये गुणे 10 आ गया है, ये 10^-5 है, ये 10^-4 ऊपर गया तो 10^+4 हो गया, यहाँ पे क्या मिल गया 10^-6, ये देखो ये 10^-1 था और ये 10^-9 मिल करके हो गया 10^-6 मल्टीप्लाई बाय 10^4, ये मत हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि किसी में एक का गुणाकार करने से कोई भी कम होगा, तो 1 हो गया माइनस 6 में से प्लस 4 घटाएंगे तो माइनस 2 मिलेगा, यानी कि माइनस 1 × 10^-2 जूल पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो क्वेश्चन का सेंस। क्वेश्चन क्या है, सागर की फ्रेम बन रही है,
बन गया साबुन का व्याधि क्रीम का था चार सेंटीमीटर बोले पांच सेंटीमीटर कर दिया जाए, चार सेंटीमीटर बोले पांच सेंटीमीटर कर दिया जाए। ये रहता है की गणना क्या दिया है, दिया है गोल का पृष्ठ तनाव, दिया है गोल का ठीक है। क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन लिखा है कि एक तार है ठीक है, और तार का छल्ला बन गया है ठीक है, ऐसे फ्रेम में बना है जो जो भी तार का फ्रेम है, उस तार के छल्ले पे एक साबुन का फिल्म बना है ठीक है। वही सेम प्रोसेस है, जब कोई भी साबुन है, साबुन के गोल में यदि मान लीजिए कोई छल्ला डाल दिया जाए, डाल करके निकालते हैं तो उसमें एक लेयर बन जाती है ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण। तो वो तार के छल्ले पे वो साबुन की एक फिल्म बनी हुई है, वो फिल्म कितनी है, चार सेंटीमीटर गुणे चार सेंटीमीटर फ्रेम है। अब वो फिल्म को यदि हम लोग बड़ा करना चाहते हैं ठीक है, यानी कि हम लोग अब उसको हम लोग बड़ा कर रहे हैं, और जब हम लोग बड़ा करेंगे तो बड़ा करने के लिए उस पर क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा ठीक है। और जब इस फिल्म को हम लोग बड़ा करेंगे तो उस पर किए गए कार्य को, उसके किए गए कार्य की हम लोग गणना करनी है ठीक है। तो वो कार्य कितना होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब उस गोल का पृष्ठ तनाव हम लोग को बता रहे हैं ठीक है। तो उस गोल का पृष्ठ तनाव हम लोग जान रहे हैं, दिया गया 58 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ सोप फिल्म ऑफ 4 cm × 4 cm इज मेड अप ऑन अ फ्रेम ऑफ वायर ठीक है, ये तो दिया गया है। इफ वी इंक्रीजेस द फिल्म साइज 4 cm × 5 cm देन कैलकुलेट द वर्क डन, इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सोप इज 958 × 10⁻³ न्यूटन पर ठीक है। यानी कि कोई भी एक फ्रेम है, फ्रेम में यदि एक साबुन का एक फिल्म बना दी है ठीक है, 4 × 4 cm का, अब उसको यदि हमें बड़ा करना है, बड़ा कर दिए, ऐसे बड़ा करेंगे तो उसके ऊपर कार्य करके बड़ा करेंगे ठीक है, वर्क डन जब करेंगे तो वो उसकी फिल्म की आकार बढ़ेगी ठीक है। तो 4 cm × 4-5 cm यदि हमको वो करना है तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए कुछ दिया होना चाहिए, अलग अलग बोल पे अलग अलग वर्क करना पड़ेगा। तो यदि बोल का जो
जो सलूशन है सूप का, उसका एक पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन 98 × 10⁻³ है, तो वहाँ पे हम लोग को 98 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसके दिया गया कार्य कितना है। तो क्या क्या दिया गया है हम लोग को, तो दिया गया है जो फिल्म का आरंभिक क्षेत्रफल था, इनिशियल एरिया था, वो कितना दिया गया है 4×4, चूँकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को हम लोग पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो 4 × 4 है, यानी 2 बार सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 4×10⁻²×4×10⁻², यानी कि 16 × 4 कितना हुआ 16×10⁻⁴ मीटर इस बार फाइनली है इनिशियली में। अब फिल्म को जब उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उसका नया क्षेत्रफल कितना बन जा रहा है 4 × 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो फिल्म का नया क्षेत्रफल हो जाएगा 4×10⁻²×5×10⁻², ठीक है, यानी 20×10⁻⁴ मीटर। ये पता चला, तो चूंकि उसमें कितना वर्क करना पड़ा इसके लिए हम लोग पता करेंगे कितना उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ, यानी इफ वी कैलकुलेट द वर्क डन देन वी शुड ऑब्जर्व हाउ मच द इंक्रीजमेंट इन द एरिया हैज बीन डन, यानी कि उसके अंदर कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ यह हम लोग को पता चल रहा है, तो हम लोग कार्य भी पता कर सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल में कितना था, इनिशियली था 16×10⁻², फाइनल हो गया 20×10⁻², यानी कि इंक्रीजमेंट कितना हुआ तो 4×10⁻⁴, ठीक है, मीटर स्क्वायर, इतना आपका क्षेत्रफल में इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो फिल्म होता है, कोई भी फिल्म बनता है ऐसे फ्रेम में, ठीक है, ये फ्रेम है, फ्रेम में यदि कोई फिल्म बन रहा है तो उसकी दो सतह होती है, ठीक है, ऐसे सोप से बाहर निकालते हैं तो एक इधर से भी वायु के संपर्क में आता है, इधर से भी वायु के संपर्क में आता है, तो हमेशा दो सतह बनती है, तो कोई भी कार्य हम लोग निकालेंगे ना तो दोनों सतहों पर किया गया कार्य निकालेंगे, ठीक है। तो चूंकि दो फिल्म में दो सतह होती है इसीलिए उसका क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा 2×4×10⁻², ठीक है, क्योंकि एक तरफ भी उतना वृद्धि हुआ 4×10⁻², दूसरे तरफ भी तो उतना ही होगा एक सतह पे दूसरे सतह पे, तो दोनों सतह पे 2×4×10⁻² मीटर स्क्वायर की वृद्धि हुआ, यानी 8×10⁻² मीटर स्क्वायर की वृद्धि होगी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो पृष्ठ तनाव होता है टी बराबर क्या होता है W/T, ठीक है, वर्क डन एट यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठ तनाव बराबर होता है किया गया कार्य का क्षेत्रफल, तो किया गया कार्य हम लोग को निकालना है तो W बराबर क्या हो जाएगा T×A, ठीक है, यानी बराबर हो जाएगा सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव गुणे क्षेत्रफल, तो पृष्ठ तनाव हम लोगों को मिल गया है कितना 58×10⁻³, तो कहिए तो दिया गया है 58×10⁻³ ऊपर लिखा गया है, ठीक है, और एरिया हम लोग ज्ञात कर लिए एरिया कितना है 8×10⁻⁴, ठीक है, इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं उसका कितना किया गया कार्य, तो इसको लगाया जाए, लगाने के लिए पहले निकाल क्या क्या दिया है कर लेते हैं। दिया गया है फिल्म का ये सलूशन है, फिल्म का
आरंभ से आरंभिक क्षेत्रफल, आरंभिक क्षेत्रफल कितना है? 4 सेंटीमीटर। अरे इसको इधर कर दे, इसको इधर कर दे, बना के दे देता हूँ आपको। बोले 4 सेंटीमीटर, बहुत 4 सेंटीमीटर अंदर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है? तो फिल्म का आरंभिक क्षेत्रफल कितना होगा? 4 सेंटीमीटर बोले 4 सेंटीमीटर, यानी 16 सेंटीमीटर। क्योंकि हम लोग को चाहिए कितने एमबीएस में चाहिए, मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो क्या करेंगे? 4 10 की पावर माइनस 2 4 10 की पावर माइनस 2 ये मीटर में, ठीक है? यानी 16 10 की पावर माइनस 4 मीटर है पूरा। तो फिल्म का आरंभिक क्षेत्रफल हम लोग को मिल गया है 16 गुणे 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है? अब जो फिल्म का अंतिम क्षेत्रफल है, ठीक है, वो निकाला जाए। फिल्म का अंतिम क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए? फिल्म का सेंटीमीटर जो कि इसको मीटर में लेना है, तो ये क्या हुआ? 4 10 के पावर माइनस 2 मीटर गुणे 5 10 के पावर माइनस 2 मीटर, यानी कि ये मिला आपको 20 गुणे 10 के पावर माइनस 4 मीटर। तो ये फिर भी यह हमको 20 गुणे 10 के पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर देगा। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं क्षेत्रफल को। अब चूंकि हम लोग जानते हैं बराबर
मासी का सेंटर का माइनस यानी जो क्वेश्चन उत्पन्न वृद्धि बराबर होगा 8 न्यूटन का पावर माइनस 4 मीटर अब पृष्ठ तनाव बराबर क्या पृष्ठ तनाव टी बराबर होता है डेल को बताओ तो वर्क डन अतः कार्य बराबर क्या होता है कार्य बराबर कार्य बराबर को बराबर टी ठीक है कार्य कितना हो जाएगा टी इनटू ए हो जाएगा निकाल लेते हैं टेंशन की एरिया एरिया है आठ मीटर स्क्वायर माइनस तो 58 मीटर स्क्वायर माइनस 3 है और 8 मीटर स्क्वायर माइनस 4 कितना हो जाएगा जवाब याद करते हैं चार सौ चौसठ मिल जाएगा ये माइनस थ्री है और ये चूंकि एरिया है एरिया माइनस फोर ठीक है माइनस थ्री और माइनस फोर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा माइनस माइनस चार एंड जाएगा या टेन टू द पावर माइनस सेवन निकाल सकते हैं ये दो अंक के दशमलव इधर लेके आ रहे हैं ये मिल जाएगा 4.64 इनटू टेन टू पावर टू इनटू टेन टू पावर माइनस सेवन ये हो जाएगा 4.64 इनटू टेन टू पावर माइनस सेवन आज ठीक है ये मिल जाएगा हम लोग को कार तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि क्या था सबसे पहले हम लोग को दिया गया था जो फिल्म का आरंभिक क्षेत्रफल यानी इनिशियल एरिया ऑफ द फिल्म वाज 4 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर² इफ वी कन्वर्ट द सेंटीमीटर इंटू मीटर स्क्वायर देन वी गॉट 4 × 10⁻², into 4 × 10⁻², meter square. It will be equal to 16 × 10⁻⁴, meter square. If we convert the final velocity by 4 × 5 cm², 4 cm × 5 cm, that was a 20 cm². If we convert the centimeter into meter square in MKS unit, then we got 4 × 10⁻², multiplied by 5 × 10⁻², will be equal to 4 × 5 = 20 × 10⁻⁵ m². That's it. We got the initial area was 16 × 10⁻⁴ m², and the final area will be 20 × 10⁻⁴ m². How many increment in the area? We got 20 × 10⁻⁴ minus 16 × 10⁻⁴. That is 4 × 10⁻⁴ m². We got the change or increase in the area will be equal to 4 × 10⁻⁴ m². Although we know that the given surface tension of the liquid soap solution was the 58 × 10⁻³ newton per meter, then we got the formula of surface tension. The formula of surface tension T was equal to the work done upon unit area, that is known as T is equal to W upon A. If you transmigration A from right hand side to the left hand side, we got the formula of work done, and the formula of work done W is equal to T into A.
that is the surface tension into area of the surface. What will we get? Work done, W is equal to T into A. The value of T was 58 into 10 power minus 3, and the change in area, that is A, is equal to 4 into 10 power minus 2. But there are the two surfaces in a field. Because if we draw a frame, the frame has two surfaces. One is outward and second is downward. That is, if there is two surfaces, then the total area will be 8 into 10 to the power minus 4. That's it. Then we got the area A is equal to 8 into 10 to the power minus 4 meter square, and the surface tension T is equal to 58 into 10 to the power minus 3 meter square. Then we calculate the work done, W is equal to T into A, that is 58 into 10 to the power minus 3 multiplied by 8 into 10 to the power minus 4. If we multiply 58 to the 4, we got 464. That is, if we multiply 58 to the 8, we got 464. Then the result will be 464 into 10 to the power minus 7. That is 10 to the power minus 3 plus 10 to the 8 multiplied by 10 to the power minus 4 will be equal to the 10 to the power minus 7. We got 464 into 10 to the power minus 7. Okay, if we decrease the decimal point in the left side, we got 4.64 into 10 to the power 2 multiplied by 10 to the power minus 7. If we decrease the minus 7 to 2, we got 10 to the power minus 5. That will be our final answer. The work done, W is equal to 4.64 into 10 to the power minus 5. That is the result. Okay, thank you, class.